मचेन चेंबर सभागार में श्री राधारमन सेवा संस्थान द्वारा अंतरंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल का कार्यक्रम आयोजक संध्या पांडे ने पुष्प देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। मंच पर भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक से बढ़कर एक बच्चों ने कला प्रस्तुत किए। कथक डांस से लेकर अलग अलग मनमोहक प्रस्तुति बच्चों ने दी, जिसको देखकर लोग झूम उठे और सभी लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल ने सभी प्रतिभागी बच्चों को प्रतीक चिन्ह देकर पुरस्कृत किया। पुरस्कार पाकर बच्चे उत्साहित दिखे। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता सुजीत। भाई, इसकी जो राधारमन सेवा संस्थान की जो संचालिका है वो बहुत ही होशियार, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छी मैडम हैं, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को जिस बखूबी उन्होंने प्रस्तुत किया है वो तारीफ के काबिल है। ऐसा प्रोग्राम मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जितना अच्छा प्रोग्राम आज प्रस्तुत इन्होंने किया है। मैं तो आप लोगों से कहूँगा, जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी को डांस सिखाना है, कुछ भी सिखाना है, तो राधारमन सेवा संस्थान में सिखाएं। यहाँ का कल्चर, यहाँ के बच्चे, यहाँ की सिखाने वाले टीचर सब बड़े उच्च कोट के हैं। बस इतना ही। बाबूजी, आपने मन से कुछ घोषणा भी करी थी, कुछ घोषणा भी करी है किस चीज़? शहर को ग्रीन बनाने के लिए। ये तो आपको पहले ही से मालूम है कि मैं 20 पेड़ कानपुर में रोज फुटपाथ पर लगाता हूँ। एक भी पेड़ सूखता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर सूखता है तो फौरन उसको बदल दिया जाता है। इस तरह मेरे को तो काफ़ी महीनों हो गए लगाते लगाते, हजारों पेड़ सड़कों पर लग चुके हैं। MLA ग्रीन कानपुर के नाम से वो पेड़ लगते हैं और उनका बाकायदा उन पर मेरा बोर्ड भी लगता है, आपने देखा होगा। और अगर किसी भाई को अगर अपने घर के आगे कहीं भी किसी भी तरह के पेड़ लगाने हो तो हमारी संस्था को फोन करें, बगैर निःशुल्क उनको 20 पेड़ तक हम उनको लगा के देंगे। मोटिव क्या है? हरियाली, ऑक्सीजन। आप देखिए, आज ऑक्सीजन की कमी है पूरे दुनिया में। ऑक्सीजन के लिए आदमी क्या नहीं कर रहा है। आज कानपुर में कितना प्रदूषण है, अगर प्रदूषण को ख़त्म करना है तो पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। और पेड़ पौधे हैं जो हमको ऑक्सीजन देंगे, हम लोगों की ज़िंदगी और उसको बढ़ाएंगे, जीवन को लंबा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हमारा उद्देश्य है कि हर आदमी को ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिले।